खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत परसोना गांव में चोरी के संदेह में दुकानदार ने एक युवक को पेड़ पर घंटों बांधे रखा। उस दौरान जिस पर चोरी का संदेह था, उसके कपड़े उतारकर मारपीट करने लगे। फिलहाल पीड़ित ने कोतवाली पुलिस में जाकर मामला दर्ज कराया है। परसोना गांव के पास मशीनरी दुकान पर बीते दिन हुई चोरी का शक युवक के ऊपर लगाते हुए दुकानदार ने युवक को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई भी की। जब इस पूरे मामले को लेकर हंगामा शुरू हुआ तो सूचना कोतवाली पुलिस को भी दी गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। फिलहाल दोनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों के ऊपर मारपीट और चोरी का मामला दर्ज किया है। मार मत तो अपना मार खाए वाला बेफालतू मार नहीं खाए हो देख ले देख ले दीवाने तेरे कहां से पार भगा दे दी का संसार को लड़ते अरे ये बोल बोल पर ना बता सटाओ कौन है फुल नाम बोल अगर थोड़ा की बात कर रहे हो यार छोड़ दे तो रात्रि थी, उसमें दो व्यक्ति परसोना से गुजर रहे थे। उनका ऐसा आरोप है कि जब वो परसोना से गुजर रहे थे तो वो मोटरसाइकिल परसोना में चौराहे के बगल में खड़ा किए और सड़क के किनारे बाथरूम करने के लिए, तभी वहाँ के स्थानीय निवासी जग गए और उनके द्वारा उनको चोर चोर कह करके पकड़ लिया गया और उनके साथ गाली गलौज करके और मारपीट की गई है, जिसमें फरियादी सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट पर अनिल प्रजापत, कपूर चंद प्रजापत इनके विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 342 का प्रकरण दर्ज किया गया है। जो दूसरा पक्ष है अनिल प्रजापत का, उसके द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि हम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जहाँ की मोटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग का काम करते हैं। और जो बीती रात्रि है उसमें हम लोग, चूँकि वहाँ पर बहुत सारे मोटर ओपन में रखते हैं हम लोग, तो वहीं पर मोटरों को तकवारी के लिए हम लोग रात में वहीं पर रुकते हैं और उनकी देख रेख भी करते हैं, बाहर ही सोते हैं। तो रात्रि में दो मोटरसाइकिल में चार व्यक्ति आए, जिसमें कि सुनील कुशवाहा और आशीष पटवा, ये दो व्यक्ति थे, और इनके साथ एक मोटरसाइकिल में दो अन्य व्यक्ति भी थे। तो उनके द्वारा मोटर को जो दुकान के बाहर रखा था उसको घसीट करके जब ले जाने लगे, उसी से हमारी नींद खुली, तो मैं और कपूर चंद तथा मोहल्ले के और लोग भी आ गए और इनको रखे हाथ मोटर चोरी करते हुए पकड़े हैं। और ये इस प्रकार की दोनों पक्षों द्वारा रिपोर्ट की गई है, जिसमें दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया है। दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर धारा 379, 511 मोटर चोरी के प्रयास का दर्ज किया गया है और दोनों FIR पर हम विधिवत जांच करके वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं।